वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने शुरू की है आपकी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी। तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को फॉलो कर अपनी कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। आपको पूरी एनसीईआरटी और उनके नोट्स फ्री में प्रोवाइड होंगे। सिर्फ आपने चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करके। देखिए, हम अभी जो हमारा चैप्टर कर रहे हैं वो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लास्ट में इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा था यह क्या है, एक प्रक्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है। लेकिन रासायनिक समीकरण वो होती है जब हम उसको लिखकर बताते हैं, अभिक्रिया को दर्शाते हैं, तो वो क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया कब कब होती है, उसके लिए हम तीन एक्टिविटीज को भी देखा था, क्रियाकलापों को पढ़ा था, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई थी, उन गुणों को भी देखा था, जिसमें आपका अवस्था में परिवर्तन, आपका रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और आपका क्या था, तापमान में परिवर्तन होने पर आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी जो आपका पहला क्रियाकलाप था उसमें हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब क्या होता है, एक आपको पाउडर मिलता है, एक चूर्ण मिलता है और क्या मिलता है, आपको धुआं जैसा, श्वेत जो धुआं जैसा दिखाई पड़ता है। तो वो जो पाउडर है, वो जो चून है, ये किस क्यों बन पाया, क्योंकि मैग्नीशियम की किसके साथ क्रिया हुई थी, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के बिना जलना किसी भी चीज का पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जल नहीं सकती है। तो आज हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए, छोटे छोटे, अगर आप क्लास 10th में हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको वहां पर रिटन एग्जाम देना है, अपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, चीजों को नोट करना है, और जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए समझना जरूरी है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लेकिन पीडीएफ सिर्फ चैनल के सब्सक्राइबर के लिए ही है। तो आप जो भी बाद में ज्वाइन करेंगे, जिनको पहले की पीडीएफ चाहिए होंगी, तो आप मुझे को जो व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल पर प्रोवाइड है उसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं हम देख चुके हैं, वह प्रक्रिया है, लेकिन जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखकर बताते हैं, जैसे अभी हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताती हूँ मैं आपको, आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो आप आवर्त सारणी आपको पढ़नी है, आगे हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको उसका फिर भी जनरल जो पता होना चाहिए, जैसे उनके प्रतीक पता होने चाहिए, 1 से 30 तक तो आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे हम याद करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से आपने फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, आपका इस तरीके से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सारे मतलब सिक्वेंस है जो मैं बोल रही हूँ वो सिक्वेंस है। तो सिक्वेंस से आपने जिंक तक 30 तक आपको प्रतीक तो पता ही होने चाहिए, परमाणु क्रमांक याद कर लेना, ठीक है। अभी हम शब्दावली के रूप में देख रहे हैं, शब्दों में देख रहे हैं। फर्स्ट ही हमने जो क्रियाकलाप किया था उसको ही देखते हैं, उसमें क्या होता, मैग्नीशियम की क्रिया हुई थी आपके ऑक्सीजन के साथ और बना क्या था उत्पाद, बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर समझेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था जो ये है, आप ये तीर का एक निशान देख रहे हैं, इसके बाईं तरफ जो भी प्रेजेंट है, इसके बाईं तरफ उपस्थित सारे पदार्थ किस में गिने जाएंगे, आपके प्लस के साथ हों या ऐसे ही हों, वो है आपके अभिकारक। लेकिन जो ये दर्शा रहा है यहाँ की अभिक्रिया हो गई है, तो यहाँ पर जो बनेगा बाद में वो उत्पाद बनते हैं। अब उत्पाद एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर भी आपको योग का निशान दिख जाएगा, प्लस का निशान दिख जाएगा। वही रूल लिखा है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लें, हम फिर देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए लिखा है यहाँ पर, अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। ध्यान रखना है इस तीर के बाईं तरफ जो है वो आपके अभिकारक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसी में क्या है आपका परिवर्तन आने हैं। इसमें परिवर्तन आने के बाद नया पदार्थ बनेगा जो तीर के इस तरफ आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके लिए परिभाषाएं अभिकारक और उत्पाद की। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया को करवाएंगे वो क्या है आपका अभिकारक है, जो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनता है वो आपका उत्पाद है। बाकी लैंग्वेज इसको भी ध्यान रखिए। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसको उत्पाद कहते हैं। अब दूसरी चीज समझेंगे, शब्द समीकरण में अभिकारकों में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ये हमने शब्द समीकरण लिखी है, अभी हमने यहाँ पर मैग्नीशियम के प्रतीक को यूज नहीं किया है, हमने सूत्र समीकरण नहीं लिखी है, ये शब्द समीकरण है कि हमने सीधे देखा मैग्नीशियम लिखा और उसके ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई, क्या बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें समझिए, इस परिवर्तन को कैसे दर्शाया आपने, उनके बीच एक तीर का निशान लगाकर, ये रहा तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है किसी भी अभिक्रिया को। ये रासायनिक अभिक्रिया लिखने का, अगर आपको लिखना नहीं आती है, आप 9th 10th के न्यू बच्चे हैं तो ये उनके लिए रूल है, ये लिखने का तरीका है। इसी तरीके से आप लिखते हैं, तीर से आप परिवर्तन को दर्शाते हैं, इधर जो पदार्थ है आपके बाई और जो है वो बाई और जो है वो है आपके अभिकारक, और जो दाई और है तीर के वो है आपके उत्पाद। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है, इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको दो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मतलब जो अभिकारक हैं वो एक से ज्यादा हैं। हो सकता है कोई अभिक्रियाएं आपको ऐसी मिले जहां पर दो या दो तीन और भी ज्यादा हो, सभी को आप उनके बीच में क्या है प्लस का निशान लगाकर, योग का निशान लगाकर दर्शाएंगे, और लिखे कहाँ जाएंगे, वो आपके बाईं तरफ लिखे जाएंगे अभिक्रिया के तीर के, तीर के निशान के बाईं तरफ जो लिखे जाएंगे वो सारे अभिकारक हैं। एक से ज्यादा है तो आप उसमें प्लस का निशान लगा सकते हैं, उसी प्रकार योग का निशान लगाएंगे, उसी प्रकार तीर के बाईं तरफ आपका क्या है, तीर के बाईं तरफ आपके उत्पाद उपस्थित हैं। यहाँ पर तो हमें एक ही उत्पाद दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अलग अलग नहीं है, एक ही उत्पाद बना, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और भी बन रहा होता तब हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाकर, योग का निशान लगाकर उसको दर्शा देते, यही लिखा हुआ है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जो ये तीर का सिरा है आप इस तरीके से इसको ऑपोजिट नहीं लिख सकते इस तरफ, क्यों, क्योंकि यह है क्या कर रहा है, उस तरफ बता रहा है कि इस तरफ आपकी अभिक्रिया हुई है, क्रिया का प्रोसेस ये है। आप देखते हैं ना रोड वगैरह पे आपको कोई रास्ते बताने के लिए लगे होते हैं तो उनका साइड किस तरफ होता है, तीर का निशान, जहां पर आपको जाना होता है, जो वे है उसको बताने के लिए होता है, तो यही यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ आई, बहुत ही बेसिक चीज थी, आपको समझ आनी चाहिए। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण भाई लिखते कैसे हैं, ये हमने शब्द में देखा आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, लेकिन ये और भी अच्छे से हम लिख सकते हैं अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें क्या पता होगा, सूत्र पता होगा। देखिए सूत्र बनाना किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहली चीज तो आपको प्रतीक पता होने चाहिए, आपको प्रतीक पता होंगे तो आप अच्छे से चीजों को देख सकते हैं। देखिए चैनल न्यू है, सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए है, तो और 9th 10th के एनसीईआरटी जो 9th 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए कराया जा रहा है, तो आपने सपोर्ट करना है अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करके, जो भी 9th और 10th में प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करा के दिया जाएगा, वो भी हिंदी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। रासायनिक समीकरण लिखना, देखिए शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। आप इस लाइन को लिख लेंगे, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है हमें पता है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका मैग्नीशियम, तो हम मैग्नीशियम का अगर प्रतीक देखें तो वो क्या है, Mg है, प्लस आपको बता रखा है कि उसने हमें पता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया की है, तो ऑक्सीजन, फिर वही तीर का निशान आएगा और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। ठीक है, तो ये लिखना ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पर समझिए, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें।
अब ये आता है कि हमने एक समीकरण लिखी, लेकिन क्या यह समीकरण संतुलित है, किस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है, इसके भी नियम है। उन नियमों को अगर आप अच्छे से समझेंगे और नोट करेंगे, जो मैं बोलूंगी उसको आप नोट करेंगे, तो आप देखेंगे आप किसी भी अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें मैग्नीशियम में, यहाँ पर मैग्नीशियम है ये, तो मैग्नीशियम का हम बाई ओर देखेंगे तो कितने तत्व है यहाँ पर, मैग्नीशियम बाई ओर देखेंगे तो बाई ओर है आपके एक तत्व है, बाई ओर क्या है एक तत्व है, दाई ओर देखेंगे तो कितना है, दाई ओर कहाँ, तीर के दूसरी तरफ, ठीक है, हम तुलना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी क्या है एक ही है, तो मतलब मैग्नीशियम संतुलित है। लेकिन अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की संख्या को जब हम देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, दो दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो मैग्नीशियम है उसमें अगर हम जाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर बाईं तरफ आपको दिखाई देगा दो, जबकि दाईं तरफ आपको कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, एक ही ऑक्सीजन का परमाणु आपको दिखाई दे रहा है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण जो है वो क्या एक ढांचा बनाता है आपका, वो एक ढांचा बनाता है, लेकिन क्या आप इसको बोल सकते हैं कि ये बराबर है ये नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें हमने क्या गिनना करना था, परमाणुओं की संख्या को गिनना था, यहाँ पर मैग्नीशियम बाई ओर कितने हैं, एक है, दाई ओर मैग्नीशियम हमने देखा एक है, बाई ओर अब ऑक्सीजन को देखते हैं कितना है, दो है, और दाई ओर कितना है, एक है, ठीक है। लेकिन यदि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। इस चीज को समझिए, आपका एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ये नियम कहता है आप परमाणुओं को या ऊर्जा को ना ही तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ये एक सीधी सी डेफिनेशन है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। किसी भी अभिक्रिया में आप द्रव्यमान को ना ही तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं। इस चीज का मतलब आप इस चीज से रिलेट कीजिए, अगर मैं आपको बोलूं ये रहा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया गया तो ये बदल गया कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ये एक अभिक्रिया है। अगर 100 ग्राम आपका कैल्शियम कार्बोनेट था तो यहाँ पर भी इन दोनों का मास मिलाकर 100 ग्राम ही आना चाहिए, मतलब 80 ग्राम देखें अगर ये बना है तो यहाँ पर ये कितना बनना होना चाहिए, 20 ग्राम बना होना चाहिए। यही है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि अभिक्रिया में या फिर किसी भी चीज में आप द्रव्यमान को ना ही तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इसी यही रूल इस पर अप्लाई कीजिए, जब यहाँ पर मैं ऑक्सीजन के दो परमाणु थे तो वो दाएं और भी दो होने चाहिए, इसलिए संतुलित करना आपके समीकरण को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये जो हमने समीकरण लिखी है ये क्या है, ये अब देखेंगे, मैंने जो जो लाइन बोली है उनको नोट कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज है वो, ठीक है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है, इस प्रकार उपयुक्त समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। इसको हम संतुलित कैसे करेंगे मैं आपको ऐसे सीधे नहीं बताऊंगी, आपको रूल्स के साथ जाना है, नियम के साथ जाना है, आपको किसके साथ जाना है, नियम के साथ आप जाएंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। अब हम दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है, समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित करना, पार्ट्स हैं, आप उस चीज को समझेंगे, उसको नोट करेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करना है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा आप क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, अब हमें क्या सीखना है,
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना लिखना, ठीक है। अब इसके जो नियम है उनको आप अच्छे से सुनेंगे, सबने नोट डाउन करना है। पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आप जो भी है हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लेकिन वो चैनल के सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर जो प्रोवाइड कराया गया है उस पर आपने स्क्रीनशॉट भेजना है कि आप चैनल के सब्सक्राइबर है और डेली व्यूवर है, तो आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा लास्ट में क्विक रिविजन के लिए, ठीक है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में और उसके पहले हमने क्या, परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब तीर के निशान के बाद आप देखें कि समीकरण जो है समान होनी चाहिए। अब हम यहां पर देखते हैं आपका क्रियाकलाप कौन सा था, आपका क्रियाकलाप था 1.3, 1.3 जो क्रियाकलाप था उसमें हमने देखा था कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कुछ जिंक के दानों को डाला गया था तो वहां पर क्या होता, आपका ZnSO4 बन गया था, मतलब जिंक सल्फेट बन गया था, और आपका हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ था, वहां पर हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो उसको हम क्या समीकरण में इस तरीके से लिख सकते हैं, H2SO4 प्लस ZN, फिर क्या है तीर का निशान लाएंगे, ये है आपका जिंक और ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है जिंक। फिर क्या बन गया था ZnSO4 आपका जिंक सल्फेट और प्लस क्या हो गया था हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ था। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए और इसको मुझे आप अपने आप से काउंट करके बताएंगे कि क्या यह संतुलित है। हम इसके परमाणुओं की संख्या भी देखेंगे, बाई और दाई और हम दोनों देखेंगे सब सारे परमाणु में क्या क्या है, लेकिन आप खुद से देखेंगे क्या यह है अभिक्रिया संतुलित है। आप इस समीकरण को संतुलित समीकरण बोल सकते हैं, जैसे कौन कौन से तत्व है आपके पास, ZN है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है और ऑक्सीजन है। अगर ZN हम आपके बाई तरफ देखते हैं तो ZN के कितने परमाणु है, सिर्फ एक ही परमाणु है। दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ यहाँ कहाँ है ZN, यहाँ है, तो दाएं तरफ भी आपका एक ही परमाणु है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के यहाँ देखिए दो परमाणु है, यहाँ कहीं है नहीं है। फिर आप दाएं ओर जाते हैं, दाएं ओर भी कितने हैं, दो है, मतलब बाएं ओर भी दो परमाणु है और दाएं ओर भी दो ही परमाणु है। फिर देखेंगे दूसरा क्या आता है, सल्फर, सल्फर का एक परमाणु यहाँ है जो कि बाईं ओर है और दूसरा परमाणु यहाँ है जो कि दाईं ओर है, मतलब एक एक परमाणु आपका दोनों तरफ है सल्फर का। फिर ऑक्सीजन के काउंट करते हैं, बाईं ओर देखते हैं कितने ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है। फिर जब दाईं ओर जाते हैं तभी भी आपको कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, चार ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यह जो समीकरण है वह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप लिख सकते हैं तीर के निशान के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप इस तरीके से किसी भी रासायनिक समीकरण को देख सकते हैं काउंट करके अच्छे से। अभी आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे, बाद में आपको ये अच्छे से देखकर ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं, आइए हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं Fe क्या है, लोहा, जिसको आप बोलते हैं आयरन, क्या है आयरन, प्लस इसकी जल के साथ जब क्रिया होती है, क्या है जब इसकी जल के साथ क्रिया होती है तब आपका बनता है Fe3O4, क्या बनता है Fe3O4 प्लस आपका यहाँ पर Fe3O4 बनेगा प्लस आपका हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, ये क्या बनी आपकी हाइड्रोजन गैस बनी। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, देखिए सबसे पहले आप स्टेप वन में जाएंगे, चरण वन में जाएंगे, आपने नियम लिखने हैं, मैं बोल रही हूँ आप नियम लिखेंगे, मैं समझा दूंगी उसको। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हम बॉक्स बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, ये सबसे पहला नियम है, बच्चों को इसे समझना जरूरी है। आपने क्या करना है, इसके चारों तरफ सभी के बॉक्स बना लेना है,
क्यों बनाया है? क्योंकि यह आपको यह दर्शाता है कि आपने इन बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बॉक्स के अंदर आप परमाणुओं का चेंज नहीं कर सकते, आपने जो भी करना है यहाँ पर करना है, इसके बाहर करना है। आप आगे लिख सकते हैं, जैसे आप इस बॉक्स के अंदर, अब कहीं यहाँ पर आपको आयरन थ्री दिखे तो आप यहाँ पर लिख दें Fe3, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपने कुछ भी बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 4 दिख रहा है तो आप कर दें यहाँ पर H2O4, हो गया। नहीं जी, सूत्र ही चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होता नहीं है। और H2O2 करेंगे तो आप दूसरा ही सूत्र ही चेंज हो जाएगा, जो कि गलत है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपने लिखना है और करना है वो है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। फिर देखिए, समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। संतुलित, जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो अभी बताया गया आपको बॉक्स के अंदर अब कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी करना है आप इसके आगे यहाँ पर लिखकर देखेंगे, हम देखेंगे। स्टेप आपका 1 है कि आपने क्या किया, उसके आगे बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब इन असंतुलित समीकरण में विभिन्न तत्वों के दूसरा जो स्टेप है, अगर हम फर्स्ट स्टेप आपने देखा कि हमने इसमें बॉक्स बना लिया, अब चरण सेकंड देखेंगे, चरण दूसरा देखेंगे, इसमें क्या करना है। अब जो आपने बॉक्स बनाए हैं, असंतुलित समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर सूची बनाते हैं, अगर हम बाई ओर देखें और दाई ओर, तो सूची बनाकर हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे बाई ओर और दाई ओर, कितने कितने परमाणु हैं, कितना कितना आप देख सकते हैं। आयरन के अगर आप देखेंगे, आयरन के बाईं ओर आप देख सकते हैं कितने परमाणु हैं, सिर्फ एक ही परमाणु है। और दाईं ओर कितने हैं, आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 परमाणु। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के परमाणु को काउंट करेंगे कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, बाईं ओर कितने हैं, 2 हैं। और दाईं ओर जाते हैं तब भी आपको 2 ही दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 परमाणु है, और यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। मतलब बाईं ओर तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, ठीक है। कितना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपका आयरन का एक ही परमाणु है लेकिन दाईं ओर आपको 3 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बाईं ओर देखेंगे हाइड्रोजन के तो 2 हैं और दाईं ओर भी 2 ही हैं। ऑक्सीजन आपका बाईं ओर 1 है लेकिन दाईं ओर कितना है, 4 है, ठीक है। ये स्टेप सेकंड है, चरण 2 है। अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, चरण, सारे चरण को अच्छे से नोट करना है, यही स्टेप आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणुओं वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। अब यहाँ पर समझिए, आप देखेंगे आपने क्या करना है, सबसे पहले सुविधा के लिए सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करें, चाहे वो आपका अभिकारक हो या उत्पाद हो। तो मतलब अगर हम देखें यहाँ पर सबसे ज्यादा परमाणु हमें किस कहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसमें है, उत्पाद में है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें स्टेप थर्ड में, चरण थर्ड में यही बताया गया है कि यही करना है कि सबसे पहले आप उसको संतुलित करने की कोशिश कीजिए जिसमें ज्यादा तत्व है। यहाँ पर आयरन के अब हम इसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं, और किससे शुरुआत करते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे आपका आयरन से, पहले सबसे पहले कि इसमें भी अगर हम देखें तो किसके हैं सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन में अगर हम देखें यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन से ही शुरुआत करते हैं। तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 4 हैं। बाईं ओर कितने हैं, या बाईं ओर लिख सकते हैं या आप अभिकारक में लिख सकते हैं, आपको आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, या दाईं ओर लिख सकते हैं उत्पाद में, ठीक है। बाईं ओर कितने आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब यहाँ पर कितने होंगे आपके ऑक्सीजन, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था आपने बॉक्स के इधर उधर नहीं करना है, यहीं पर लिखना है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 4। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 4 लिखा। जो नई हमारे सामने समीकरण आएगी वो क्या होगी आपकी, वो है आपकी Fe3, Fe+4H2O आपका तीर का निशान है, फिर Fe3O4+H2 गैस, ये है आपकी नई समीकरण। ये हमने यहाँ पर देखा, इसको हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं
ऑक्सीजन परमाणु को हमने संतुलित किया है। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों यौगिकों को सूत्रों में नहीं बदल सकते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम गुणांक लगाकर लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं, वही नियम दिखाना है। जैसे हम यहाँ पर ये तो लिख सकते हैं 4H2O, लेकिन हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना H2O4, ऐसा नहीं लिख सकते। हमें आगे लिखना है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब गुणांक लगाकर लिख सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो यही है आपका स्टेप थर्ड में, आपने देखा। तो अब जो संतुलित अभिक्रिया हुई, जो कि संतुलित नहीं बोलेंगे, आंशिक रूप से संतुलित अभिक्रिया बोलेंगे, वो आपके सामने क्या आएगी, वो आएगी Fe प्लस, हमने 4 का मल्टीप्लाई किया H2O में, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ चार करने थे। फिर आता है आपका Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे ये आंशिक रूप से एक संतुलित अभिक्रिया है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपको बराबर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपको बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, जबकि पहले हमें हाइड्रोजन क्या दिखाई दे रहा था, बराबर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे 2, 4, 8, यहाँ पर आपका 8 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, और यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं। तो अब चरण 4 देखते हैं कि चरण 4 क्या बोलता है। चरण 4 में, स्टेप 4 में आपने क्या करना है, तो देखिए Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इसीलिए तो हम इसको आंशिक रूप से संतुलित समीकरण बोल रहे हैं, क्योंकि Fe और यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है वो अभी भी असंतुलित है, ठीक है। Fe तो था ही पहले ही, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 ही है, अब हाइड्रोजन भी हो गया। तो अब देखेंगे इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे हम बढ़ते हैं और क्या करते हैं, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब हम किसको लेंगे, हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, आपकी दाईं ओर भी हमें क्या करना है, 4 यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2, 4, 8 हो जाएगा ना। तो इसको हम आप कैसे लिख सकते हैं, Fe प्लस H2O, 4 तो मल्टीप्लाई में था ही। फिर हम उत्पादों की तरफ जाते हैं, तब क्या करते हैं, Fe3O4, फिर यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 चौका 8, और यहाँ पर भी कितना है, 2 चौका 8, मतलब अब हाइड्रोजन भी क्या हुआ, संतुलित हो गया है। समीकरण अब क्या होगी, ये होगी, अब इसके बाद भी अभी भी क्या है, ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, ये समीकरण आपकी संतुलित नहीं है, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम बढ़ते हैं चरण 5 की तरफ। प्योरली आप एनसीईआरटी को देख सकते हैं, हम आपके एनसीईआरटी का पूरा एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज के साथ ही दे रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे। देखिए जो समीकरण अभी हमने लिखा था उसमें क्या था कि तीसरा तत्व जो था उसको चुनिए, अब तक वो क्यों है, क्योंकि वो असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है, सिर्फ अब कौन सा बचा है, आयरन बचा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दाई और आयरन में कितने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, अभिकारक में आप आयरन में कितने देख सकते हैं, 1 है, लेकिन दाई और जब उत्पाद में आते हैं तब आपको कितना दिखाई दे रहा है, उत्पाद में 2 आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, उत्पाद में कितने हैं, Fe3 है ना, तो यहाँ पर कितना है, 1 ही है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आयरन 3 है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी हमारा पूरा हो जाएगा। मतलब अब जो आपका समीकरण आएगा वो क्या होगा आपका, अब जो समीकरण आएगा अगर हम एक कंप्लीट संतुलित समीकरण को देखेंगे वो क्या आएगा, 3 हमने मल्टीप्लाई किया, 3Fe प्लस 4H2O, आपका तीर का निशान जो उत्पादों की तरफ जिसका सिरा दिखाई दे रहा है आपको, और फिर आ जाता है आपका 4H2। अब आप देखेंगे तो यह रही आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब 6 में देखेंगे आप, इसका हम देख सकते हैं स्टेप सेकंड, क्योंकि हमें चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। 6 में देखेंगे, स्टेप 6 में देखेंगे,
अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। समीकरण में दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह क्या है, अब एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप चाहें तो लिखकर भी देख सकते हैं, बाईं ओर देखेंगे और दाईं ओर देखेंगे, आपका बाईं ओर और कौन सा दाईं ओर, मतलब अभिकारक और उत्पाद में आप देख सकते हैं। बाईं ओर अगर आप अब आयरन देखेंगे तब आपको तीन दिखाई पड़ रहे हैं, दाईं ओर देखेंगे तो तीन दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आप आते हैं हाइड्रोजन पर, दो चौका आठ, मतलब आपको हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं, आठ दिखाई पड़ रहे हैं बाईं ओर, दाईं ओर देखेंगे दो चौका आठ, मतलब आपको आठ दिखाई पड़। फिर आते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन कितना, फोर दिखाई पड़ रहे हैं, यहीं से तो मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है ना आपको, ऑक्सीजन के कितने हैं, चार परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने हैं, चार। मतलब क्या है, यह एक कंप्लीट संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, जो स्टेप आपको बताए गए हैं उनको याद कर। पीडीएफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए स्टेप आपका जो चरण सात आता है उसमें क्या है, चरण सात में क्या करते हैं, इनकी आप देख सकते हैं, ये जो हमने समीकरण लिखी जिसको जिसमें मैं अभी रासायनिक समीकरण लिखती हूँ जो कि संतुलित हो, और क्या है 4H2O आपका चेंज इनटू Fe3O4 प्लस 4H2, ये है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो आपके यौगिक हैं, जो आपके यौगिक या जो आपके तत्व हैं, उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का यूज करते हैं, कुछ सिंबल का यूज करते हैं, प्रतीकों का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि आप देखेंगे कि जो आपका, अगर हम इस अभिक्रिया को अगर हम देखें तो हाँ, हम लिखेंगे जैसे रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे, तीन चार प्रतीक यूज किए जाते हैं। L किया जाता है आपका द्रव के लिए, S किया जाता है आपका ठोस के लिए, G किया जाता है आपका गैस के लिए, और एक होता है AQ, ये जलीय विलयन को दिखाने के लिए, मतलब एक्वास, ठीक है। तो ये लिखा जाता है, इस समीकरण को अगर हम लिखेंगे अब तो ये होगा आपका 3Fe, ये क्या है, S का मतलब क्या है, Fe आयरन जो है आपका ठोस अवस्था में है। फिर देखेंगे 4H2O गैस, लेकिन यहाँ पर आप देखे हमने वाटर के आगे क्या लिखा है, गैस लिखा है, मतलब जो जल है आपका वो आपका जल के द्रव के रूप में नहीं है, जल वाष्प के रूप में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखते हैं Fe3O4 को हमने कैसे लिखा है, Fe3O4 के लिए लिखेंगे सॉलिड के रूप में है, H2 तो हमें दिखाई दे रहा है, H2 कह के हम ये लिखेंगे वो क्या है, एक गैस है। तो ये भी क्या है, आपका चरण सात है जिसमें आप उनकी फिजिकल अवस्था बताते हैं। तो आप लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण से अधिक सूचनापूर्ण, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस जलीय ठोस अवस्था में क्रमशः G, L, AQ तथा S दर्शाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे आप, फिर आता है आपका कि आपको कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे आपको कुछ कंडीशन दी गई होती है कि कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में ही हो सकती है, जैसे आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश में ही होती है, कुछ इतने टेम्परेचर पर ही हो सकती है, तो वो भी दर्शाया जाता है, वो तीर के निशान के ऊपर हम दर्शा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक गैस के रूप में है, यहाँ पर आपका प्लस देखेंगे इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, गैस है, ये किसमें आपका चेंज हुआ, ये आपका चेंज हुआ CH3OH मेथिल एल्कोहल CH3OH जो कि लिक्विड है, यहाँ पर दर्शा दिया। यहाँ पर इस अभिक्रिया को दर्शाने के लिए इसके तीर के ऊपर बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है 340 ATM, मतलब ये इस प्रेशर पर ही ये क्रिया हो सकती है, अगर इससे कम या ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा तभी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। इसी तरीके से कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी होती है तो वो भी ये दर्शा सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट है कि आप रासायनिक समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, एक एक स्टेप जो बोला मैंने आपको उसको आपने लिखना है, समझना है,
पीडीएफ को जरूर देखेंगे, उसके आप नोट्स बनाइए उससे। पीडीएफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, यही है। मिले हमसे हर सुबह 10 बजे 10th और 9th के एनसीईआरटी के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।